आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि YouTube आपके वीडियोस को नहीं रिकमेंड कर रहा है। YouTube पर ग्रो करने का सबसे बड़ा रीजन है आपके वीडियोस का रिकमेंड होना। चैनल जैसे सौरव जोशी व्लॉग्स, A2 मोटिवेशन, टेक बर्नर, टोटल गेमिंग जैसे पॉपुलर चैनल्स अभी के टाइम में सक्सेसफुल है क्योंकि YouTube उनके वीडियोस को 90% से भी ज्यादा खुद रिकमेंड करता है YouTube के डिफरेंट सेक्शन में। सो आपका चैनल चाहे लॉन्ग फॉर्मेट का हो या शॉर्ट्स, आपका चैनल एक्चुअली में तब ग्रो करेगा जब आपके वीडियोस नए लोगों तक रिकमेंड होंगे। यहां पर आप एक एनालिटिक्स भी देख सकते हो कैसे मेरे इस नए वीडियो में 2 दिनों में अप्रॉक्स 1 लाख व्यूज आए और 74,000 से ज्यादा व्यूज सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन से आए। सो मैंने वो कौन सी ट्रिक यूज की, अभी मैं आपको बिल्कुल एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि आप अपने वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंडेशन सेक्शन में कैसे ले जा सकते हो सिर्फ 2 स्टेप्स में। बट उससे जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप अभी इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहली बात, यूट्यूब रिकमेंडेशन काम कैसे करती है, क्योंकि अगर आप ये जान जाते हो तो आपकी YouTube जर्नी और ज्यादा आसान हो जाएगी। सो YouTube का एल्गोरिथम आपके नए वीडियोस को उन व्यूअर्स को सबसे पहले रिकमेंड करता है जो आपके चैनल कैटेगरीज में पॉपुलर क्रिएटर के वीडियोस को अभी देख रहे हैं। मींस आपके वीडियोस उन व्यूअर्स के होम पेज पे रिकमेंड हो सकते हैं, वॉच नेक्स्ट सेक्शन में रिकमेंड हो सकते हैं या सबसे पॉपुलर जगह यूट्यूब सर्च रिजल्ट में रिकमेंड हो सकते हैं अगर वो व्यूअर उस टॉपिक या कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर व्यूअर आपके चैनल का कोई भी एक वीडियो देख लेता है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो, तो यूट्यूब का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चैनल के और भी नए वीडियोस उसको रिकमेंड करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। अब आपको अपने नए वीडियोस को इन 3 जगह यानी होम पेज, वॉच नेक्स्ट और सर्च रिजल्ट्स में कैसे ले जाना है उसका सीक्रेट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको 2 मेजर एल्गोरिथम स्ट्रैटेजी समझना होगा। सो स्ट्रैटेजी 1 है इंक्रीज सेशन टाइम। आपको अपने वीडियोस को यूट्यूब एल्गोरिथम से रिकमेंड करवाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट थिंग है व्यूवर्स का सेशन टाइम इंक्रीज करना। YouTube आपसे क्या चाहता है, YouTube बस यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म पर देखें, वो आपकी वजह से रुके, जिससे कि YouTube ज़्यादा एड्स रन कर पाएगा और उससे YouTube की कमाई होगी, राइट। जितना ज़्यादा लोग आपके वीडियोस को YouTube प्लेटफॉर्म पर देखेंगे उतना ज़्यादा YouTube एड्स सर्व कर पाएगा और उससे YouTube और आप दोनों की ही ज़्यादा कमाई होगी। और इसके लिए आपको व्यूवर्स का सेशन टाइम इंक्रीज करना होगा, मतलब आपको अपने वीडियोस को रिकमेंड करने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि जब भी आप किसी पॉपुलर क्रिएटर के वीडियो को देखते हो तो YouTube उस टॉपिक या उस कैटेगरी से ही रिलेटेड आपको और वीडियोस आपके होम पेज या अपने सेशन में रिकमेंड करता है ताकि आपका YouTube सेशन टाइम इंक्रीज हो। ये YouTube का AI ऑटोमेटिक आपके लिए कर रहा है और यही काम, यही चीज आपको अपने वीडियोस के थ्रू करवाना है। लाइक आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि व्यूअर आपके एक वीडियो के देखने के बाद दूसरे वीडियो को देखे, आपके चैनल के और वीडियोस को देखे ताकि उसका सेशन टाइम इंक्रीज हो। अब सेशन टाइम मींस लेट्स से व्यूअर अपने फोन पर YouTube ऐप ओपन करता है और जैसे ही वो एक वीडियो देखना शुरू करता है उसका वॉच सेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये सेशन टाइम एक वीडियो पर भी खत्म हो सकता है या 10 वीडियोस पर भी, ये बिल्कुल व्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो YouTube ऐप ओपन करने के बाद कितने देर के लिए इस प्लेटफॉर्म पर है वीडियोज देखने के लिए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिलता है YouTube के एल्गोरिथम को कि व्यूअर आपके वीडियोज को देखने के बाद आपके और वीडियोज को देख रहा है, फिर वो आपके चैनल के वीडियोज और नए लोगों को खुद रिकमेंड करने लगता है, जिससे कि आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, आपको ज्यादा टारगेटेड सब्सक्राइबर मिलते हैं और इससे अल्टीमेटली आपके चैनल की ग्रोथ होती है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये उठता है कि एक बिल्कुल ही न्यू चैनल के वीडियोस को रिकमेंडेशन सेक्शन में कैसे ले जाना है, उसका भी तरीका है। अगर आपने बिल्कुल अभी ही अपना चैनल स्टार्ट किया है तो हो सकता है आपके चैनल के वीडियोस इमीडिएटली रिकमेंड होना शुरू हो जाए या फिर उसे रिकमेंड होने में कुछ वीक्स भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए क्रिएटर्स अपने चैनल का सही कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करते हैं वीडियोस को अपलोड करने टाइम। लाइक फैक्ट चैनल का कौन सा कैटेगरी सही है, फूड चैनल का सही कैटेगरी क्या है, एनिमेशन का सही कैटेगरी क्या है। अगर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करो, मैं इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और यही वजह है YouTube के एल्गोरिथम के पास शुरुआत में आपके चैनल का इनफ डेटा नहीं होता है कि वो आपके वीडियोस को किन व्यूअर्स को रिकमेंड करे। ये जब आप कंटेंट बनाते जाओगे सही कैटेगरी में और सही रिलेवेंट टैग्स यूज करके तो वो कुछ वीक्स में समझ जाएगा कि आपके वीडियोस किस व्यूअर कैटेगरी के लिए है। और जब एल्गोरिथम आपके चैनल के वीडियोस को समझ जाएगा तो वो 100% आपके वीडियोस को रिकमेंड करना शुरू कर देगा। अब एक न्यू चैनल के वीडियोस को
रिकमेंड करवाने का तरीका क्या है, सो वो तरीका, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता ही देता हूँ, और ये इतना डीपली रिसर्च करके आपको और कोई नहीं बताएगा। तो उसे जानने से पहले आप अभी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर से कर दो। लाइक एम सिर्फ 7K है और मुझे पता है कि आप वो कर लोगे। सो वो स्ट्रैटेजी है इंक्रीज इंगेजमेंट ऑफ योर करेंट वीडियो। आपको बस अपने न्यू वीडियो का इंगेजमेंट अपने लास्ट वीडियो के कंपेयर में बढ़ाना है, और ये मेट्रिक मुझे खुद YouTube ने बताया है। जैसे यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि मेरे इस नए वीडियो पर 2 दिनों में 1,00,000 के अप्रॉक्स व्यूज आए हैं, और 74,292 व्यूज सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन से आए हैं, जो पहले 15,000 के अप्रॉक्स आते थे इस टाइम फ्रेम में। और YouTube यहाँ पे खुद बोल रहा है कि हाईली इंगेजिंग वीडियोज आर मोर लाइकली टू बी रिकमेंडेड टू व्यूअर्स वॉचिंग सिमिलर वीडियोज ऑन YouTube होम एंड अप नेक्स्ट। मीन्स न्यू अपडेट के बाद, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अब YouTube आपके हर वीडियो को इंडिविजुअली मेजर करेगा आपके प्रीवियस वीडियो से। सो अगर आपके पिछले कुछ वीडियो के कंपेयर में आपके नए वीडियो पर थोड़ा ज़्यादा इंगेजमेंट यानी थोड़ा ज़्यादा व्यूज, लाइक्स, कमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ जाता है, तो आपका वो वीडियो 100% यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करने लगेगा। सो इसे इंक्रीज करने के लिए और अपने हर वीडियो को रिकमेंड करवाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी होगी। स्टेप 1, आपको अपने वीडियो के लिए एक आई कैची थंबनेल और टाइटल तो सेट करना है ही, साथ ही में आपको अपने इंट्रो पार्ट को बेस्ट बनाना होगा, उसमें आई कैची विजुअल्स या कुछ सरप्राइजिंग ऐड करना होगा, इससे आपका व्यूअर रिटेंशन इंक्रीज होगा। आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई करना होगा कि आपका ये वीडियो क्या करने वाला है, जिससे कि व्यूअर को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, उन्होंने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और मेरा एडवाइस यहाँ पर आपके लिए यही रहेगा कि आप जितना जल्दी स्ट्रेट टू द टॉपिक या पॉइंट आओगे, चाहे आप कम ही चीज़ें रिवील करो, स्टार्टिंग में आप वीडियो में आगे क्या होने वाला है उसका हाईलाइट भी शो कर सकते हो, उतना ही आपके व्यूअर्स हुक्ड हो जाएंगे वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इससे अल्टीमेटली आपका AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको अपने दूसरे वीडियोस को अपने नए वीडियोस में इंटरलिंक करना होगा, चाहे आप उसे पिन कमेंट में ऐड करो, डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में ऐड करो, पर आपके वीडियो में एक स्ट्रांग कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, जिससे व्यूअर आपके एक वीडियो देखने के बाद आपके और वीडियोस भी देखे, और इसी से YouTube को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि आपके वीडियोस में, आपके नए चैनल में कोई बात तो है जिससे व्यूअर्स का वॉच सेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है, और देन वो आपके चैनल के वीडियोस को नए लोगों के होम पेज या अप नेक्स्ट सेक्शन में रिकमेंड करने लगेगा। और स्टेप 2, अगर आप सर्च रिजल्ट में अपने वीडियोस को पहुंचाना चाहते हो, अपने वीडियोस को टॉप पोजीशंस पर रिकमेंड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने वीडियो का मेटा डेटा यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सही करना होगा, और रेलेवेंट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऐड करना होगा, और यहाँ से यानी सर्च रिजल्ट में रिकमेंड होने से आपको लाइफ टाइम तक व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलते रहेंगे। सो अब आप अपने वीडियो का मेटा डेटा कैसे सुधार सकते हो, उसके लिए आप बस ये वीडियो देखो, इसमें मैंने यूट्यूब वीडियोज अपलोड करने का अब तक का सबसे सही तरीका बताया है, और इसे 2,000,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो आप भी इसे चेक करो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।